तो वाइज ये पेंटिंग बनाया है इन्होंने। हेलो वाइज, गुड मॉर्निंग, मेरा नाम है विजय और आप देख रहे हैं विजय आर्ट्स। जिन लोगों को आर्ट से प्यार है ना गाइज, वो लोग इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। और आज गाइज MFA फाइनल ईयर वालों का जो है एग्जीबिशन लगा हुआ है, तो वहाँ हम जा रहे हैं कॉलेज में और काफ़ी अच्छी अच्छी ड्राइंग्स आपको देखने को मिलेंगी और हम भी देखेंगे, वो आपको दिखाएंगे। तो मिलते हैं आपको सीधे कॉलेज में। तो गाइज हम पहुंच चुके हैं एग्जीबिशन हॉल में और यहाँ पर सबसे पहले हमें काफ़ी सुंदर रंगोली देखने को मिलता है और हॉल के अंदर का व्यू कुछ इस प्रकार हमें देखने को मिलता है। और यहाँ पर काफ़ी सुंदर सुंदर पेंटिंग्स लगी हुई हैं और अभी आपको एक एक करके सारे पेंटिंग दिखाएंगे और कुछ कलाकारों से हम उनकी पेंटिंग्स के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो गाइज जैसे कि आप अभी देख रहे हैं MFA फाइनल ईयर के बच्चों के चित्रकला प्रदर्शनी में जो निरीक्षक आए हैं, अभी उनको विद्यार्थियों द्वारा शॉल पहनाकर सम्मानित किया जा रहा है। तो गई जैसे कि आप अभी देख रहे हैं, निरीक्षकों द्वारा चित्रों का निरीक्षण यहाँ पे किया जा रहा है। तो गाइस ये पेंटिंग बनाया है इन्होंने, अभी बताएंगे इस पेंटिंग के बारे में। मेरा नाम दिव्या है और मैंने जो ये मेरा पेंटिंग बनाने का कॉन्सेप्ट है वो विमेंस को लेकर के है, ठीक है। मैंने इस पेंटिंग में विमेंस को लेकर के काम किया हुआ है कि उनकी समाज में क्या परिस्थितियाँ हैं, ठीक है। तो इसमें मैंने ये दिखाया कि कहीं पर डाउरी, कहीं पर रेप हो रहा है उनका, तो ये सारी चीज़ें, कहीं पर खुद का हस्बैंड रेप करता है, कहीं पर नशे में उसके दोस्त घर आकर किसी उसका रेप कर देते हैं। तो मैं इस चीज़ के लिए एक, जैसे लाइक न्यूज़पेपर, हम किसी भी न्यूज़पेपर को पढ़ते हैं उसमें कुछ ना कुछ आती है न्यूज़ वुमेंस को लेकर के, कि आज कहीं पर रेप देखने को मिलता है, कहीं पर डाउरी की वजह से किसी को मार दिया जाता है। तो मैं मतलब ये सारी न्यूज़ें देख करके, जैसे हम आप इंटरनेट पे एक बार डाल करके देखें कि किस तरह से लाइक एक रेप न्यूज़ करके ही डाल दो, इतना बहुत कुछ आ जाता है उसमें देखने के लिए। तो इसी सब चीज़ों से मैं इंस्पायर होकर के मैंने ये पेंटिंग बनाई है। एक पेंटिंग मेरी और है, ये मेरी सेकंड सीरीज है और एक उधर है जी मैम, उसके बारे में। हाँ तो भाई ये है इनकी दूसरी पेंटिंग और इनके बारे में भैया बताएंगे इसके बारे में। ये है, इसकी सीरीज वर्क मैंने किया है, तो इसमें भी बताने के लिए वही चीज़ है सेम। तो थैंक यू गाइस, ये वाला पेंटिंग जो है इसके बारे में ये बताएंगे। मेरा नाम कीर्ति है। हाँ। और मैंने ये गोरखनाथ मंदिर बनाया है जो रुद्रप्रयाग में है, और ये उत्तराखंड का जो मंदिर है उसमें से पूजा मंदिर माना जाता है शिव मंदिर। तो इसमें जब ये तब बना था जब पांडवों का युद्ध हुआ था जब उन्होंने पांडवों ने जब उन कौरवों को मारा था, तो वो उसका पश्चाताप करने के लिए यहाँ गए थे गोरखनाथ मंदिर शिव के दर्शन, ताकि मतलब उनको जो है वो दो दूर हो सके, मतलब पश्चाताप, तो इसका मतलब टाइटल ही पश्चाताप। थैंक यू। तो गाइज इतना सारा कुछ काम यहाँ पे किया है, बहुत अच्छे अच्छे पेंटिंग यहाँ पे हमें देखने को मिले और आपको भी मज़ा आया होगा।
वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें। पेंटिंग ये है, इसके बारे में ये बताएंगे अपना नाम और ये इसके बारे में थोड़ा बता दीजिए। यहाँ पर जाए इधर। हाँ, मेरा नाम हाँ, और ये जो मेरी पेंटिंग है ये उत्तराखंड के कल्चर से रिलेटेड। मेरी पेंटिंग जो मनसा देवी की है, तो जो मनसा देवी माता है वो सिर की पुत्री मानी जाती है और उन्हें सब लोग की देवी भी कहा जाता है। और कमल के बैकग्राउंड सजाया गया और इन नाग तो इनके नाग की अक्षिणियाँ बनाई गई। थैंक यू मैम। अब जाएंगे इस पेंटिंग की ओर, इसकी मालकिन कहें, इसकी मालकिन को बुलाया जाए तो ये हमें बताएंगी कि ये पेंटिंग किस टॉपिक में बनाया और क्या क्या है जो भी है इसका प्रोसेस। तो बताइए मैडम। मेरा नाम शार्दुली ओझा है और ये मतलब इंडियन क्लासिकल कल्चर और इंडियन कल्चर फोक आर्ट, मतलब जो लोकल आर्टिस्ट या फिर आर्ट है उनके मतलब कॉम्बिनेशन से मैंने बनाया है। और ये अभी क्लासिकल इंडियन क्लासिकल आर्ट और डांस पे है। तो ये इसमें मैंने जो उड़ीसा का उड़ीसा के भगवान है जगन्नाथ स्वामी और उनकी जो वहाँ की क्लासिकल डांस है उसी उस पर बनाया है। और ये मेरा मतलब ये थीम मेरा नेचुरल मतलब इंडियन के कल्चर को आगे बढ़ाना है। तो गाइज अब करेंगे इस पेंटिंग की बात, ये और ये दोनों एक ही ने बनाया है तो इनसे बात करेंगे इन्होंने किस टॉपिक पे बनाया है। मेरा नाम पारू बिस्व है और मेरा जो पेंटिंग का टॉपिक है वो है उत्तराखंड कल्चर, यानी कि नंदा राज जात यात्रा, जो विश्व की सबसे लंबी पैदल यात्रा है जो 280 किलोमीटर है। इसमें मतलब 53 जो किलोमीटर है उसमें नंगे पांव चलाता है, ठीक है। और ये नॉर्थ ईस्ट से स्टार्ट होता है और इसमें 20 पड़ाव होते हैं, तो ये हेमकुंड तक जाता है। उसमें जो मेरा दूसरा पेंटिंग है उसी की सीरीज है। और ये जो चौसंगा खाड़ू जो मेन होता है वो चौसंगा खाड़ू होता है, इसको हेमकुंड के बाद अकेले ही छोड़ दिया जाता है ताकि ये कैलाश टूर चला जाता है। और जो ये जो नंदा माँ है उनको मायके से ससुराल भेजा जाता है 12 साल बाद, और ये हमारी जो इष्ट देवी होती है वो भी नंदा माँ ही है। और हो गया। गाइज फाइनली मैं पहुंच चुका हूं रूम पे और वहां मैंने जो चित्र देखे उनसे बहुत कुछ हमें सीखने को मिला और मुझे उम्मीद है आप लोग भी उनसे बहुत कुछ सीखे होंगे, समझे होंगे। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को हो सके तो शेयर जरूर करना। तो जल्द ही मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए सी यू, बाय बाय, टेक केयर। हो जाएगा तो बोलते रहो ना।